बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है कि आप सब भी लोग खैरियत से हों। किचन एक्सपर्ट में आज हम बना रहे हैं मैंगो जैम। आप ये देख रहे होंगे कि ये पल्प जो रखा हुआ है ये पहले से मौजूद है। तो मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने ये पहले से निकाल के रखा था, तो इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इसमें आप देख लीजिएगा। तो ये मैंने रख दिया था, अब मुझे ज़रूरत पड़ी है जैम की, तो मैंने फिर निकाला है। तो हम इसमें से हाफ का ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे अभी हम। उसके बाद दोबारा से इसको सेव कर देंगे, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस अभी हमने तकरीबन हाफ के जी लिया है, और हाफ के जी की ज़रूरत है हमें। जब दोबारा से ज़रूरत होगी हम तो और बना लेंगे। इसको वापस हम सेव कर देंगे। इसकी थोड़ी हवा निकाल दीजिएगा ताकि ये ख़राब ना हो। सारी एयर स्किन जब निकल जाएगी उसके बाद बंद कीजिएगा, ताकि लंबे अरसे तक ये रह जाए, ठीक है? अच्छा, अब ये शुगर है तकरीबन डेढ़ कप शुगर इसमें डाल देंगे। और इसमें मुसलसल आपको चमचा चलाते रहना है। हल्का सा चूरा तेज़ करेंगे, ज़्यादा स्लो पे भी नहीं रखेंगे, फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। इसे मुसलसल चमचा हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से लग ना जाए। अगर इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा स्लो रखेंगे चूल्हा, वरना इसमें जो बबल है वो उड़ के आपके हाथ पे आ सकते हैं। चूल्हा थोड़ा सा स्लो ही रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो डेढ़ जो हमने डाला है चीनी, डेढ़ कप आप जो भी डाल सकते हैं अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो। मैंने डेढ़ कप भी बहुत है क्योंकि इसमें आम भी मीठा ही है, ज़्यादा मीठा भी खाया जाएगा। अगर आप पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं। हाथ में अगर कुछ पहन लें तो अच्छा है, क्योंकि हाथ छींटे आती हैं तो हाथ जल सकते हैं। जैसे जैसे पकता रहेगा ये थोड़ा गाढ़ा होता रहेगा। अब इसमें ये दो चमचे हम लेमन जूस डाल देंगे। इससे जायका अच्छा हो जाएगा और ख़राब भी इतनी जल्दी नहीं होगा। आराम से इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं 1 महीने तक। हल्का सा आपने देखा होगा जैम में थोड़ी सी खटास होती है, तो आप चाहें तो अगर लेमन जूस ना हो तो टार्टरी भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, लेकिन अगर लेमन जूस हो तो वो डाल दें। इससे हल्का सा इसमें खटास आ जाएगी तो और ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। थोड़ी सी जो है इसमें मेहनत तो है हल्की सी, लेकिन ये है कि चीज़ घर में साफ़ सुथरी बन जाती है। बाज़ार की जो आप लेते हैं उसमें तो आपको पता ही नहीं होता कि इसमें है क्या, किस चीज़ से बनाया गया है। ये बहुत से लोगों की फरमाइश थी तो इसीलिए मैंने मैंगो जैम बनाया है। जब सीज़न वाइज कोई भी आएगा, जैसे आलूचे हैं आलूचे का भी जैम बनता है, सेब हैं सेब का भी जैम बनता है। जैसे जैसे मौसम के फल आते रहेंगे मैं आपको इंशाल्लाह और भी जैम बनाना सिखाऊंगी। फ़िलहाल
मैंगो का सीजन था तो इसलिए मैंने मैंगो जैम बनाया। देखिए आपकी थिकनेस अच्छी खासी हो गई है, और जब ये ठंडा होगा तो और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। बस अब हम 2 मिनट और लगेंगे और ये हमारा जैम तैयार हो जाएगा, और फिर मैं आपको उसको दिखाती हूँ कि पहचान ये है कि जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो आप प्लेट पे ड्रॉप डाल के देखिएगा, अगर वो स्लिप हो नीचे आ जाए ड्रॉपिंग तो समझेंगे और उससे बाकी है, और अगर वो अपनी जगह पर रहे तो बन गया है। थोड़ा सा किचन ख़राब होगा आपका, लेकिन बाद में साफ़ कर देगा, कोई मसला नहीं, एक ही बार होगा। हाँ अभी मैं आपको इसको चेक करवा देते हैं थिकनेस, सही है। अब हम ये डन हो गया ऑलमोस्ट तकरीबन, चूल्हा में बंद कर देती हूँ। देखें चूल्हा बंद कर दिया है मैं, अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा कि अच्छा खासा ठीक हो गया है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद अभी ठंडा होगा तो मैं 5-10 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह आपको चेक करना है, ठीक है। लेकिन 10 मिनट हो गया, थोड़ा सा ये ठंडा हो गया, कितना अच्छा खासा ठीक हो गया ये। अगर इसके अंदर आप एक चुटकी किसी भी दालचीनी डाल देंगे तो उसका फ्लेवर डबल हो जाएगा, बहुत जायका अच्छा हो जाएगा किसी भी दालचीनी डालने से। अगर मर्जी है तो डालें, अगर ना डालना है तो कोई मसला नहीं है, स्किप भी कर सकते हैं आप। अब ये मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ, तो ये देखें ये ड्रॉप नहीं हो रहा है, इसका मतलब है बिल्कुल सही बना हुआ है। अगर चाहिए ड्रॉप हो रहा है इसका मतलब है अभी आपका तैयार नहीं है, आप कुछ देर और पकाएंगे, इतना कि ये स्लिप ना हो नीचे। अगर ये नहीं हो रहा तो बिल्कुल सही है, और अगर ये स्लिप हो रहा है तो इसका मतलब है अभी आपको और पकाना होगा। तो मेरा बिल्कुल रेडी है, तो मैं इसको जार में डाल देती हूँ। गरम गरम जार में डालेंगे आप इसको, और जार एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, और हो सके तो इसको गर्म पानी से पहले अच्छी तरह से धो लें, सुखा लें, और उसके बाद फिर आप इसको जार में डालें। आप देख रहे होंगे कि ये कितना देखने में ही मज़ेदार लग रहा है, और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। जब फल आप बनाएंगे और खाएंगे तो फिर आप ये देखें, जैम आपको देख कर ही पता चल रहा होगा कितना मज़ेदार बना है। कुछ लोग इसमें फूड कलर भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने ओरिजिनली बनाया है, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ तो ओरिजिनल ही होती है। कलर चाहे तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कोई कलर नहीं डाला। आपको मैं भी स्लाइस पे लगा कर दिखाती हूँ कैसे, देखिए मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ इसमें, बगैर किसी कलर के। देखिए माशाल्लाह कलर कितना खूबसूरत है बगैर फूड कलर के। अगर आप फूड कलर डालेंगे तो